आई लव एंड्रॉइड, आई लव सर। आईफोन 12 खरीदना नहीं है क्या? तूने जो पोल रखा था, पब्लिक का वोट आया था। चल पोल क्या था यार? आईफोन 12 प्रो बाय करते हैं। क्या बदतमीजी है यार, तेरी औकात से बाहर है। छोड़ेगा नहीं रुक, कस्टमर केयर में फोन। अरे एप्पल का लोगो लगा के रखा है, एप्पल खाने को नहीं दे रहा है इधर कहीं। भूख लग रहा है, किसका फोन आ रहा है? या हद है यार भाई, आईफोन 12 प्रो मैक्स लेने के लिए निकला, बाइक क्या तो बोलता तेरी औकात से बाहर है। हाँ तो सही है ना, गलत क्या लिखा है उसने। चलो अभी खरीदने के पैसे है मेरे पास, समझा क्या? ये मेरे को कैसे पता कि तेरे पास पैसा है? सेकेंड हाईएस्ट वोट किसको आया? आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 बाय करते। हेलो, साला एप्पल के स्टोर में काम करता है लेकिन बोलता है शाओमी का ही फोन यूज करने का, कमीने लोग साले। हाँ यार ये हद है, ये बोलता फिर भी तेरी औकात से बाहर है। तो औकात से बाहर है तो है ना, गलत क्या लिखा उसमें? तो तेरी जॉब छोड़ा देगा, समझा ना। इधर जॉब करता कौन है? बैठ के गप्पे लड़ाते और खाने के सपने देखते। लगा टिंकू को फोन, लगा लगा। इधर सेठ आता नहीं है, सेठ अमेरिका में बैठा लड़की वहां पर घर के अंदर काम करता है। अरे लेकिन रुको रुको, एक काम करो, इतना ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बुक भी करता है, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा ना तो एक सेकंड में डिलीवर भी कर देगा। 50,000 में एक सेकंड में, एक सेकंड में शिपिंग हो गया ना बुकिंग। हाँ लो आई लो। ए राहुल ये तो लुखा लोगे, चल बड़ा वा खा के आते। जब डब्बा आया था मेरे पास, हमने जब उसको ओपन किया और खोला तो मुझे एक्चुअली में यकीन नहीं हुआ कि ये आईफोन 12 मिनी। ये देखो वो ट्रम्प कार्ड खेलते ना वैसा फील हो रहा है। इतना छोटा सा है, 64 GB, उसके ऊपर 128, फिर 256। बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं इसका बेस वेरिएंट, लेना है तो हायर वाले लेना, क्योंकि इसमें स्टोरेज एक्सपांशन आपको हमेशा की तरह नहीं मिलता है, बुरी तरीके से फंस जाओगे। और हाँ सिंगल सिम है, दूसरा ई सिम वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन खैर सिंगल सिम ही आपको यहाँ पर मिलता है। तो पीछे यहाँ पर एक और चीज़, डिजाइंड बाय एप्पल और असेंबल्ड इन चाइना। खैर साथ में जो कलर हमने मंगाया वो रेड कलर है। हम थोड़ा हटके करते हैं, मुझे रेड बड़ा भारी लगा। और उसके अलावा बहुत सारे आपको उसमें कलर्स मिलते हैं। 2020 की पहली आईफोन अनबॉक्सिंग, आईफोन 12 मिनी। चलो फास्टेस्ट अनबॉक्सिंग चैलेंज शुरू करते हैं। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया 10 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड के अंदर हमने अनबॉक्सिंग कर दिया। ऑल थैंक्स टू नो चार्जर इन द बॉक्स, ये दिया लाइटनिंग केबल, थैंक यू एप्पल, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर पिन मिल रही है। ओ माय गॉड, रजमान देख, मम्मी को दे दे। मतलब कितना छोटा है यार, 5.4 इंच है मानते, मतलब हाथ में छुपा भी दो तो मैं देखो पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथ में फोन है यार। एप्पल कमाल कर दिया यार, कॉम्पैक्ट में उसने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5.4 इंच इतना छोटा, और ये 133 ग्राम्स का है और 7.4 mm की थिकनेस पर मिलता है। इतना स्लिम और इतना लाइट वेट, मतलब भाई जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए ना, ये बेस्ट बाय आपके लिए। देखिए दोस्तों, इसमें और आईफोन 12 में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें 5.4 इंच की डिस्प्ले, आईफोन 12 में 6.1 इंच है, बस उसमें स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी मिलती है। हाँ उसमें थोड़ी और ज्यादा बैटरी मिलती है, बाकी सब कुछ सेम मिलता है। थिकनेस भी आपको उल्टा देखा जाए तो दोनों में सेम मिलती है। अरे यार बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस यार, मतलब कितना छोटा छोटा चुन्नू चुन्नू सा यार ये फोन है। फिजिकल और की बात करो दोस्तों, तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी नहीं, आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। लाइटनिंग केबल जो उन्होंने दिया है टाइप सी वाला है, वैसे नीचे लाइटनिंग ऊपर टाइप सी है। तो या तो चार्जर उधार मांगिए या खरीद लीजिए, या अगर आपके पास कोई पुराना वाला फास्ट चार्जर है तो टाइप सी उसमें लगाओ, और इसमें लगाओ, वो भी टाइप सी होना चाहिए चार्जर,
तो ये चार्ज होएगा। वैसे आपको माइक होल वगैरह मिलते हैं, स्टेरियो स्पीकर से नीचे की तरफ भी आपको स्पीकर मिले और आपको ईयरपीस में ऊपर की तरफ मिलता है, तो हाँ स्टेरियो स्पीकर मिलता है। और साथ में लेफ्ट में सिम ट्रे है, सिंगल सिम जाएगा छोटा सा, और उसके अलावा आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, अलर्ट स्लाइडर वगैरह दिया है, साथ में आपको राइट में बड़ा सा एकदम पावर बटन दे दिया है, एंटीना मेंट्स वगैरह के डिजाइन वगैरह दिए, और हाँ ऊपर वैसे ईयरपीस के पास आपको एक और माइक होल मिलता है, तो डुअल माइक आपको उसमें मिलता है और बड़ा सा आपको नॉच भी मिलता है, क्या उस पर बाद में बात करेंगे। साथ में पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक मिलता है, यस हमेशा की तरह ग्लॉसी है दोस्तों, और छोटा सा एप्पल का लोगो है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो शीशे की तरह है, आपका चेहरा भी दिख जाएगा। और फ्रेम्स की बात करूं तो ये आपको मेटल में मिलता है और यहाँ पर ये मैट फिनिशिंग है, तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये भी थोड़ा उन्होंने प्रीमियम आपको यहाँ पर डिजाइन दिए। और हाँ ये IP68 है, तो पानी वगैरह में लेके जाइए, इस्तेमाल करिए, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैमरे की बम्प की बात करूं, ये देखेंगे एकदम हल्का है, ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, तो ये भी चीज उन्होंने यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करी है। और इसको फटाफट से यहाँ पर बूट करते हैं, हमने प्रेस एंड होल्ड किया है। एप्पल का लोगो भी छोटा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फाइनली फोन को सेटअप कर दिया है, बूट कर दिया है। ओ माय गॉड दोस्तों, मतलब लिटरली आप देखेंगे ऊपर में ऐसे आराम से स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल पुल डाउन कर सकता हूँ, जो यूजुअली आज के मॉडर्न फोन्स में हम नहीं कर पाते, बड़ी डिस्प्ले होती इसलिए। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इसमें मिलता है iOS 14, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो कमाल का है दोस्तों, किसी से मैच नहीं कर सकते, इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नहीं मैच कर सकते। साथ में इसमें 4GB की रैम मिलती है, बड़े खोजने के बाद पता चलता है, क्योंकि इवेंट में बताते नहीं है। और ऑब्वियसली दोस्तों आप देखेंगे जो स्मूथनेस यहाँ पर है कमाल की है, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस एकदम टॉप लेवल पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब डिस्प्ले की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको इसमें 5.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जहां पर ये OLED डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन है, 476 आपको PPI मिलता है, और उसके अलावा आपको 625 nits की मैक्स ब्राइटनेस मिलती है, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट, ओलियोफोबिक कोटिंग और न जाने क्या क्या चीज उन्होंने आपको यहाँ पर दी है। अब डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है, ब्राइट है, स्मूथ है, बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, व्यूइंग स्पीड कमाल के, लेकिन वीडियो एक्सपीरियंस ना ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे ये भद्दा सा नॉच कितने सालों से एप्पल दे रहा है अभी तक सुन नहीं रहा, ये 2020 का फोन नहीं है भाई, ये हो जाता है फिर 2015 का, क्योंकि आप अगर 2020 में फोन लॉन्च कर रहे हैं तो इतना चौड़ा नॉच मत दीजिए। हाँ मानते हैं कि आपने इसमें ट्रू डेप्थ वो फेस आईडी वगैरह दिया है, हम समझते हैं, लेकिन इसको हटा दीजिए, ऐसे भी इतना छोटा फोन है और उसमें इतना बड़ा नॉच घुसा दिया तो मजा नहीं आता यार। लेकिन खैर इस पर आपको वो सिरेमिक शील्ड वगैरह दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना, उसके भी जो रिव्यूज आए वो बहुत नेगेटिव है, काफी सारे लोगों के फोन में एक हफ्ते के अंदर ही स्क्रैचेस आ रहे स्क्रीन पर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल आपको करना है। अरे इतना पैसा ले रहा है कम से कम डिस्प्ले पर स्क्रीन गार्ड तो लगा के देता है एप्पल, वो भी हम दे। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एप्पल की A14 चिप लगी हुई है भाई, आज की तारीख में सबसे पावरफुल चिपसेट है, और ऑब्वियसली गेमिंग का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ होने वाला है, हाई ग्राफिक्स पर आप गेम खेलिए, और ये छोटे फोन में गेम खेलने में थोड़ा अलग ही लगता है दोस्तों, लेकिन हाँ फिर भी परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच यहाँ पर मिलती है। अब बैटरी की बात करो दोस्तों, तो बड़े खोजने के बाद पता चला कि इसमें 2227 mAh की बैटरी है, देखिए देखने में सुनने में तो कम लगता है, लेकिन इनका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है जैसे कि मैंने कहा था, तो अब मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए तो ठीक है, अब एक दिन पूरा चलता है नहीं चलता है वो तो हम जब टेस्ट करेंगे, जब फुल रिव्यू उसका लेके आओगे ना तो उसमें आपको मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, एप्पल ने उनका ट्रू डेप्थ फेशियल रिकॉग्निशन दिया है जो अक्सर सारे आईफोन्स में आपको मिलता है, और बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, आप देखेंगे देखते ही ये ताला खुल गया और अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। साथ में ऑडियो की बात करूं दोस्तों, तो आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिलता है नीचे यहां पर और एक ऊपर ईयरपीस में, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूं फुल वॉल्यूम में। वाओ वाओ बहुत अच्छी है दोस्तों, साउंड काफी अच्छा है और बेस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपको सेम कैमरा सेटअप मिलता है जो आईफोन 12 के अंदर है, 12 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी है, वाइड एंगल f1.6 एपर्चर है, और आपको इसमें OIS वगैरह मिलता है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 60 FPS पे, और स्पेशली इस बार उन्होंने नाइट में काफी सारे इंप्रूवमेंट करिए, आपको उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। फिर आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी अलग से मिलता है, लेकिन आपको टेलीफोटो वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है, और उसके अलावा सामने की तरफ यहां पर भी 12 मेगापिक्सल की सेल्फी है, f2.2 का अपर्चर है, यहां पर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, यहां पर भी स्टेबलाइजेशन दिए लेकिन OIS नहीं है, और उसके अलावा आपको स्लो मोशन और दूसरे बहुत सारे AI वाले फीचर्स है, उनकी मेमोजी वगैरह सब कुछ उन्होंने यहां पर दे दिया है। अब यहां पर दोस्तों ऑब्वियसली पिक्चर की क्वालिटी आप देख लीजिए, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत अच्छे है, नेचुरल लगते हैं, थोड़े डार्क लगते हैं, कलर्स भी अच्छे हैं दोस्तों, और पीछे डायनामिक रेंज भी देखेंगे वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। तो एप्पल के फोन से दोस्तों कैमरे के मामले में आपको इतना निराश नहीं करेंगे,
लेकिन ये भी मैं जरूर कहूंगा कि एकदम भी एक्सीलेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी एंड्रॉइड के फोन से फ्लैगशिप वाले जो अच्छे फोटोज देते हैं और ये भी कुछ वैसे ही यहाँ पर काम करता है। लेकिन वीडियो बहुत ही कमाल के निकल कर आते हैं दोस्तों, आपको स्टेबलाइजेशन भी काफी कमाल की मिलती है और अगर आप क्वालिटी देखते हैं तो एकदम टॉप नॉच आपको यहाँ पर मिलती है। फिर वो रियर हो या सेल्फी हो, दोनों में आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो यहाँ पर मिल जाती है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ये तो सिर्फ मेरा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन था, मतलब मैंने बिल्कुल भी अब इस फोन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया हूं और अभी इसका फुल रिव्यू करेंगे, कैमरा रिव्यू करेंगे और क्या कुछ आपको देखना है वो आप मुझे जरूर से बताना और किसके साथ कंपैरिजन भी चाहिए ये भी आप मुझे जरूर से बताना। लेकिन दोस्तों सीरियसली एकदम अलग एक्सपीरियंस हुआ है मेरा इसको अनबॉक्स करके, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट फोन है। लेकिन इनकेस अगर आप इसको परचेज करते 64 को स्किप करना, थोड़े पैसे ज्यादा डाल के 128 से एटलीस्ट स्टार्ट करना तो आपको स्टोरेज का कोई लफड़ा नहीं होगा। बाकी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, आपको क्या लगता है आपकी क्या राय है कमेंट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।